इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा। पिछले कुछ दिनों से जब भी हम वीडियोस डाल रहे हैं और आप लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, तो ब्रोटोमोटिव नाम से आपको नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोगों ने प्राइज जीता है और टेलीग्राम पे आइए, आपको प्राइज मिलेगा। अगर कोई भी आपको टेलीग्राम या किसी और प्लेटफॉर्म पे बुलाता है और कोई भी प्राइज देने की बात करता है और आपसे कहता है कि हमें कुछ पैसे भेजिए, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये सब स्कैम है और ये सिर्फ हमारे यूट्यूब अकाउंट के साथ नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और प्लीज़ किसी को भी कोई पैसे मत भेजिए। व्हाट्सएप खोला है, खुल रहा है, खुलने तो दे, देख अभी लोड हो रहा है, स्लो हो गया, मतलब मैं एक दिन अगर नहीं रहूँ इसके पास तो ये स्लो हो जाता है। गुड मॉर्निंग, जल्दी आ गए। गोभी फूल, ब्रोकली, जल्दी कहाँ आया हूँ मैं, 11:15 बजे आया हूँ। पैनल्स देख रहा था, ये 2 पैनल पेंट हुए हैं, क्या बोलूँ, खूबसूरती से पेंट हुए हैं, मजा ले कोई बता देगा रीपेंट हुआ है। बहुत अच्छा फिनिश आया, कलर भी ब्यूटीफुली मैच हुआ है, बढ़िया है, बहुत प्यारी फिनिश आई है। ये किसने मारी दुन्ना, गाड़ी बहुत बढ़िया हुई है। हाँ, मेरे जब कार परचेसर ने किया मेरे बोले कि अच्छा सामान नहीं, हाँ फर्स्ट ऑफ आके 2-3 बार आम नहीं, बहुत बहुत प्यारा पेंट के उसको मारा, मास्क के बीच में एकदम फटाकट करके मारा, पता भी नहीं चल रहा है, कोई बोल नहीं पाएगा रिपेंट हुआ है, तो पता नहीं चलेगा। बस मैं राकेश को एक ही चीज बोली है, उसको सैंडिंग थोड़ा कम करना, ऑरेंज पिल, पूरा ऑरेंज पिल मत हटाना, ऑलमोस्ट अभी लग रहा है, बराबर लग रहा है। हाँ, नाम को डस्ट कटिंग करके हल्का पेपर मार के देगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेल डन। सैलरी का तूने कल वो निकाल दिया क्या, टाइमिंग्स वगैरह सबके निकाल दिए? वो निकाल दिए, चल बढ़िया कर लो, ठीक है करो। क्यूटी पाए, क्यूटी पाए, क्यूटी पाए, क्या है कल, कल तेरा बर्थडे, 6 महीने, हाँ 6 महीने का हो गया तू, हाफ बर्थडे हुआ ना फिर तेरा, हाफ बर्थडे, कितना क्यूट है यार ये। हर्षु कैसा चल रहा है, काट ही रहा, अच्छा काट ही रहा, हाँ हाँ आज क्या तारीख है यार, फिर घड़ी रीसेट करनी पड़ रही है यार, प्रॉब्लम क्या है, वो दिन उसका सेट नहीं हो रहा है, 12 बजे चेंज होना चाहिए, हो नहीं रहा। आज है 2 नवंबर और आज है ट्यूसडे, है ना, चलो शुरुआत करें आज के दिन की। आज वेंसडे, यू आर राइट, इट्स वेंसडे, मेरे तो हफ्ते दिन क्या चल रहे हैं, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, कौन सी सदी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आता। चलो शुरू करते दिन को। पंकज भाई क्या दिख गया आपको, अरे भाई इतना लग गया है, क्या लग गया इसको, मेरे को लगा कोई छोटा सा होगा डेंट, इतना सा होगा, पूरा घुस गया अंदर है, तो बदलना पड़ेगा डेंटिंग से हो जाएगा, अगर सेंटर में भी ठोकेंगे ना तो इतना इतना ठोक पाएगा, बदलना पड़ेगा, उसका फ्यूल पंप भी ऊपर पूरा इंपैक्ट किया होगा ना, अभी ये रिपेयरेबल नहीं है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, अभी पार्ट ढूंढना पड़ेगा, मारुति 20 साल पुरानी गाड़ी है, टैंक मिलेगा नहीं मिलेगा, वैसे मिलना तो चाहिए, मारुति का पार्ट है, पूछ लेते किसी को है कितने का है, क्या अवेलेबल, अगर सस्ता रहेगा तो बदल देंगे। सौरभ ये देख इधर, पूरा शार्प लाइन बन गया, अब अंदर ही चला गया वो पूरा, 65 का 60 होता ना तो ये उसको उतना लगता है, 55 मिल जाता तो बेस्ट हो रहा, लेकिन यूजुअली है ना ये 165 प्रोफाइल में 55 प्रोफाइल मिलता नहीं है, वो मिलेगा सीधा 185-55 मिलेगा, तो 185 इसके लिए बहुत ज्यादा वाइड हो जाता था, हो सकता है देखो साइबर क्राइम ब्रांच जाके ब्लॉक करना पड़े,
स्कैम चल रहा है ना अभी। हाँ भाई, रिपोर्ट कर देता हूँ उसको। अबे एक बंदे ने भेज दिए पैसे, फोन आया था किसी से, किसी को भी पैसे। लालच आदमी को मार देता है, मालूम है क्या? आईफोन के चक्कर में भेज दिए पैसे, बोला मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। हमने बोला करो, हम तो चाहते ही ये करो तुम पुलिस कंप्लेन। सौरभ चेयर लेना प्लीज, छोटा वाला स्टूल ले आओ, नहीं तो आलम ये पेंटेड ही है या पाउडर कोटेड रहेगा? अगर इसमें हुक लगा के अपन इसको पहले तो ग्राइंड कर ले, हुक लगा के उसको खींच दे, बाहर खींचेगा नहीं? बाहर ये खींचेंगे हाँ, तो उसमें क्या होगा, पतरा फटेगा। हल्के से भी लिया तो भी नहीं, फटेगा ही फटेगा। थोड़ा बहुत फट सकता है इधर, वो फटा तो वेल्ड कर सकते हैं। वेल्ड कर सकते पर क्या, छोटे मोटे खड्डे रह गए। हाँ, तेल लीक करेगा फिर, क्योंकि ज्यादा ही है ना, इधर भी है ना पूरा। मारुति का फ्यूल टैंक जो है, गेज जो है, वो रीडिंग नहीं ले रहा था, तो हम लोगों ने सोचा एक बार टैंक निकाल के देखते हैं, दब गया होगा इसीलिए होगा। पर अभी दब तो गया है, पर दोनों साइड से दब गया है। अभी उसको शेप देने में वो दिक्कत आ रही है, और बाहर मिलना मुश्किल है, थोड़ा सा नया तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये मारुति 800 का फ्यूल टैंक पूछेगा कितने का ले जाता, नहीं अवेलेबल है उसने बताया। ये इतना डेंट हुआ कैसे इसमें? इधर तो गड्ढे में गया ना ब्रेकर वगैरह। पर अगर कहीं गड्ढा होता भी है तो अपन भर तो सकते हैं ना, पानी भर के रख सकते हैं ना, देखने के लिए चेक करेंगे फिर। चेक करते हैं, कर फिर शेप, जितना हो सकता है उतना शेप ले ले। गड्ढे के पास कुछ इतना एक बार देख, ये सब चीजें उनके पास भी डैमेज ही होंगी अगर होंगी। नहीं वो गाड़ी तोड़ते ना, एक्सीडेंट गाड़ी तोड़ते हो तो पूछ ले एक बार। गनी को भेज मारुति 800 का फ्यूल टैंक, तो सेकंड हैंड में हम लोग देख रहे हैं, अगर अच्छा टैंक मिल जाए, नहीं तो फिर इसको ही हुक्स लगा के खींचने का कोशिश करेंगे, जितना शेप में ला सकते हैं उतना लाएंगे। क्या हो गया, उसके पास भी नहीं है? नहीं उनके पास, और कहीं पे अगर आप सगाई में लोगी भी तो अंदर का पूरा सड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ट्राई करेंगे इसी को फिर। एक बात बता, बीच में वेल्डिंग कहाँ किया हुआ है? दो पीस को जोड़ा रहेगा ना? हाँ। तो वो वेल्डिंग अगर कट करके अपन उसको शेप देके वापस वेल्ड करे तो? ये अलग वेल्डिंग, दूसरा वेल्डिंग रहता है। ये देखो, ये वेल्डिंग रहता है पूरा, ये दोनों को लॉक करते जाता है। चल ऐसे खींच के देखते हैं, हल्का हल्का जितना शेप में आता है उतना करके देखते हैं, बाकी उधर फिर वो लिक्विड मेटल तो है अपने पास, वो भर देंगे। मैं वो शेप में लाना मतलब कि वो तो हो सकता है। हाँ ठीक है, फिर अपन थोड़ा बहुत शेप में लेके आते हैं उसको। नहीं होगा तो फिर ऐसे ही लगाएंगे, और क्या करेंगे। नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत पैसे बहुत हो जाएगा। बहुत ज्यादा दब गया यार ये सब, पूरा ही चिपक गया। तुम्हारे काम है, गाड़ी हो गई क्या? गाड़ी हो गई क्या? निकाले फिर बाहर, वो ब्लैक वाली धो के अंदर डालनी है फटाफट। ये गाड़ी की वजह से बहुत तकलीफ, अब दोबारा नहीं लेंगे। ये वाइपर क्यों निकाला है पीछे का? वाइपर निकालते हैं इसको, वन पीस माने ये पट्टी मारी है। ये पट्टी मारने वाले तो इधर एक जॉइंट आ जाता है ना, तो जॉइंट नहीं मारने का इसकी वजह से। ठीक है चलो, इको स्पोर्ट हटाओ सामने से, ये बाहर निकाल। राम स्कॉर्पियो फटाफट मेरे को धो के चाहिए, ये हटाओ इधर से। बम्पर कितने का है? ग्रैंड विटारा का फ्रंट बम्पर महंगा रहेगा मेरे ख्याल 10-12 हजार, 19 हजार। उस टाइम में पार्ट की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर थी। अच्छा सुन, हर्षल से बात कर, ऑक्टाविया के लिए अभी टायर कौन सा लगने वाला है? लो प्रोफाइल, वो टायर वाले को फोन कर, या ये सामने वाले को, इधर मेन रोड वाले को भी फोन कर, टायर पता करवा, टायर मंगवाने। वो अभी करना है पेंडिंग में, बात करना है मतलब। मंगा ले अभी, ये फटाफट हो जाएगी, टायर के लिए लटक जाएगी गाड़ी। अभी हम लोग इसके टायर्स के लिए पता कर रहे हैं, इसके सारे स्पेयर पार्ट और इसके अलॉय व्हील का ऑर्डर तो सारा आ गया था, अभी टायर बचे थे, बस टायर के लिए पता कर रहे हैं। टायर मिल गया तो अपना काम हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल सीएट दोनों कोई भी चलेगा। देख फर्क यह आता है, मिशलिन के ना सॉफ्ट कंपाउंड रबर है,
बाकी हार्ड है। सॉफ्ट कंपाउंड में ग्रिप ज्यादा अच्छी मिलती है, इसके लिए वो थोड़े प्रीमियम है, पर वो महंगे भी रहते हैं। हमने तो कोई रेसिंग तो जाना नहीं है कि हमको ग्रिप उतनी ज्यादा कुछ चाहिए। सारे टायर अच्छा परफॉर्म करेंगे। हार्ड कंपाउंड टायर में लाइफ ज्यादा मिलेगी, थोड़ा सा ग्रिप कम मिलता है, थोड़ी बाउंसी राइड मिलती है। तो इनमें से कोई भी पता कर ले, जो मिल रहे हैं अच्छे रेट पे मिल रहे हैं हम लोग वो डाल देंगे। अगर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के बीच में तो मिशलिन डालेंगे, अगर बहुत ज्यादा फर्क है तो CITO वो डाल देंगे। इसके पुराने अलॉय व्हील, मेरी एक कस्टमर से बात चल रही है जिनकी फाबिया हम अभी पेंट कर रहे हैं, मैंने उन्हें 4500 पर व्हील बोला था क्योंकि अबाउट 40,000 रुपीज के ये अलॉय व्हील थे, बट 4500 के हिसाब से कितना बैठ रहा था, 18,000 रुपए। तो उन्होंने बोला थोड़ा महंगा पड़ रहा है, तो आई हैव गिवन हिम एन ऑफर ऑफ 3500 पर व्हील, कि मेरे भी कुछ ज्यादा काम में नहीं आने वाले, मैं क्या करूंगा उनको संभाल के। हाय राघव, हाय। कलर भी ब्यूटीफुली मैच हुआ है, फिनिश भी एकदम मैच हुई है, थोड़ा सा सैंड करेंगे उसको बहुत हल्का हल्का ताकि ऑरेंज फील भी एकदम मैच हो जाए, तो पता ही नहीं चलेगा कि रिपेंट हुआ है। नहीं, वी ट्राई टू हैंडल एवरी प्रोजेक्ट विद दैट अटेंशन, उसमें कभी भी हम कोई कमी नहीं छोड़ते, आवर होल टीम इज ट्रेंड दैट वे सर। वेरी स्मॉल कंसर्न आई जस्ट हैड, दोस फिटिंग्स एंड एवरीथिंग विल वर्क एज इट इज। यस यस सर, नॉट अ सी, माय टीम इज रियली वेरी वेल एक्सपीरियंस, वी हैव head dentists who are looking after everything which has been done on the car. So there is nothing to be worried about. We are opening and fitting cars on daily basis. So right. It's not something that you need to worry about. One small dent, first I had, since that day, I am every day opening Rotomotive. Any new videos uploaded or on Insta, any new clip has come. So okay. I have been watching. So I was fairly satisfied and convinced before even speaking to anyone. No, I appreciate that, sir. आप इतने दूर से आए हो, मैं उसी की बहुत respect करता हूँ. So day after tomorrow, early morning, I will be leaving. I will be staying in Nashik. अच्छा. Then Indore and then there. Right, right. Very nice, sir. ठीक है, sir. Thank nice meeting you. Okay. Bye, Arjun. Take care. फ्रेंचाइज के लिए बात हो रही थी तो एक बंदा बोला, हमने तो वर्कशॉप पूरा डाल दिया है, अब हम 30,000 स्क्वायर फीट का वर्कशॉप बना रहे हैं, मेरे पापा 20 साल से इस काम में हैं, पहले हमारा कुछ 7,000 स्क्वायर फीट का था, अभी नया जो बन रहा है 30,000 का है। मैं कहा लोग कितने काम करते हैं आपके पास, कहता 20 लोग। ठीक है, मैं 19 साल का हूँ, मैं अभी अभी इस बिजनेस में घुसा हूँ, पापा मेरे 20 साल से चला रहे हैं। अभी जो हमने नया वर्कशॉप डाला है वहाँ पे हमने 7 लिफ्ट या कितनी लिफ्ट बोला है और 2 पेंट बूथ डाले। मैं कहा आपकी टीम 20 लोग की है और आपका वर्कशॉप अभी 30,000 का है, आप टर्नओवर कितना करोगे? कह रहे वो मुझे अभी नहीं पता। मैंने कहा चलो ठीक है, 2 पेंट बूथ क्यों डाले? बोला हमने सोचा प्राइमर हम पेंट बूथ के अंदर मारेंगे। मैंने कहा आपको मालूम है आपके रूफ फिल्टर्स, आपके फ्लोर फिल्टर्स जो आपके 2-2, 3-3 महीना चलने चाहिए वो आपके 5 दिन में खराब हो जाएंगे। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। अभी हमारा कैमरा लेने का हम सोचे थे वीडियो वगैरह बनाए, पर अभी बजट इतना टाइट हो गया है ना, ये कैमरा वगैरह तो मैं ले नहीं सकता। मैंने कहा क्यों टाइट हुआ कि भाई तुमने पेंट बूथ 2 डाले? मैंने कहा मेरी 50 लोग की टीम है इधर और हम एक पेंट बूथ में बहुत प्यार से मैनेज कर लेते हैं। हमने भी सोचा था बूथ डालेंगे याद है, पर ईगो को साइड में रखना चाहिए। मेरे पास 2-2 है, मेरे पास 3-3 है, ईगो साइड में रखना चाहिए। 8-9 लाख रुपए तुमने ब्लॉक कर दिए कि और जगह, ये ऐसी बात हो गई कि क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो 3 महीने बाद एक बार सर्विसिंग में जाएगी, तो मेरे को ना एक दूसरी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए ताकि जब वो सर्विस में जाए तो मेरे पास एक एडिशनल गाड़ी हो। कुछ नहीं कर सकते यार उस चीज में, अभी हर किसी की अपनी विल है। वो तो मेरे हिसाब से जो आज का कमेंट ऑफ द डे है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये दिया है यश गिटे ने, प्लीज करेक्ट मी इफ आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग। कीप देम कमिंग गाइस, सैटिस्फाइंग कंटेंट फॉर एनीवन हु लव्स कार्स, डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आर ग्रेट एट देयर प्लेस, बट दिस काइंड ऑफ कंटेंट शोज द रियल पैशन, द हार्डवर्क एंड द लव दैट गोज इनटू मेकिंग दीज ब्लॉक्स ऑफ मेटल, ग्लास एंड वायर्स इनटू द ब्यूटीज दैट दीज बिकम। वाह, मजा आ गया। एक और पढ़ दूं? मेरे हिसाब से एक और जो बहुत अच्छा कमेंट है, ये लिखा है दीप घोष ने, ऑलवेज वेटिंग फॉर योर व्लॉग, देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम योर एवरी व्लॉग, आई एम वॉचिंग यू सिंस
long when you uploaded the Axis and Pulsar video. My favorite video of your channel is the accident repair of Scorpio. Got to know a lot about cars from your channel. Watching your videos gives a very good idea about what is called a good quality work. I wish I could bring my car into your workshop, but I live in Gujarat. When I see a car nowadays, I can identify if the car is repainted or not. If repainted, how it is repainted? Just a fan of your dedication. I am 20, but if I would have the money to invest, I would have loved to take your franchise and start. But anyways, maybe in future. I would love to work with you guys someday. Hats off to your dedication. Hats off to the quality content. Doesn't feel like I'm wasting time watching your videos. Just a request. Ek aadha aadmi zyada rakh lo, lekin vlog roz dalo please. Cheers. Koshish puri hai. डाल रहे हैं ऑलमोस्ट, इट्स हेक्टिक बट कोशिश पूरी है, जारी है. अगर ऐसे चलता रहा तो हम रोज़ डालते रहेंगे. बट थैंक यू सो मच फॉर योर कॉमेंट्स. जो भी आपके मन में है, जो आपको अच्छा लगता हो, कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए. और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, हमारे पर्सनल फॉलोअर्स बहुत कम है. तो मुझे मेरे भाई को, दोनों को प्लीज़ पर्सनली भी फॉलो कर लो. थोड़ा सा स्टार वाली फीलिंग आनी चाहिए ना. गुड नाइट. ओके, ये ले. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया. क्या हो रहा है? खाने का वेट हो रहा है. खाने का वेट कर रहा है. सॉरी, मैं थोड़ा शाम का बैठ गया. अलम भाई, ये गाड़ी को ना छूना मत, इसका वीडियो है. छूएंगे नहीं, काम करेंगे उसका. हाँ, छूने से पहले हमको बोल देंगे. ये वाला रूम हम थोड़ा सा वापस रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ज्यादा गंदा हो गया था. साजन सफाई नहीं करता पीछे. कितने दुख है ना तेरी जिंदगी में साजन, है ना? दुख नहीं बोल. आप दूर गए हुए थे तो आपकी दिवाली बची थी. थैंक यू. ये आपकी दिवाली और ये तेरी मिठाई है जो हम खाने वाले हैं. खा लेते ना. ठीक है, पकड़ पहले ऐसे. पटक जा, ले पहले मिठाई को खा. हैप्पी दिवाली. थैंक यू. ले ले. ओ देख, कंपनी बदल लिया है, दल बदलू. वो एप्लीकेटर्स के लिए है वो. किसान कर रहे हो तुमको क्यों? अरे देखो, जबरदस्ती नहीं जा रही गाड़ी फिर भी.